देश में जहां तीसरे चरण के मतदान में एक तरफ वोटों की गिनती हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नोटों की गिनती हो रही है। देश के शाही परिवार के शहजादे अक्सर ये दुखड़ा रोते हुए पाए जाते हैं कि हम तो सरकार में नहीं हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर उसी सो कॉल्ड गरीब कांग्रेस के एक मंत्री के घर में छापा मारने जाने पर एक दो नहीं पूरे के पूरे 30 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अभी तो चुनाव को एक ही महीना हुआ है और एक महीना और बाकी है, और चुनाव की शुरुआत में ही जब ऐसी लूट मची है तो सोचिए अगर ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो आपकी मेहनत का पैसा कितना लूटेंगे। सोमवार को ईडी ने जब राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलम के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर जहांगीर आलम के घर पर छापा मारा तो यहां नोटों का भंडार मिला। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद नोट गिनने के लिए बैंक कर्मचारियों को नोट गिनने वाली मशीनों के साथ बुलाया गया। इस मामले में कुल 6 जगहों पर छापेमारी हुई है और कुल 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी जब झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और उनकी रैली के कुछ दिन बाद ही ये कार्रवाई हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों, जिसमें बड़ी मात्रा में ये कैश मिला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि काउंटिंग होने दीजिए, ये गिनती 50 करोड़ तक जाएगी। पूरी झारखंड सरकार के गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मोदी जी के इस भाषण को सुनकर ये बात तो साफ साफ हो जाती है कि ये एक अचानक से हुआ छापेमारी का वाकया नहीं था। मोदी जी का निश्चय भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ है और झारखंड में इस छापे के पीछे भी वजह वही थे। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं और अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया था। 2000 में पहली बार वो विधायक बने और तब से लेकर अब तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। कांग्रेस एमपी के यहाँ बरामद हुआ था 350 करोड़ कैश। बता दें कि बीते साल दिसंबर में भी झारखंड में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग ने 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है वो मेरी शराब की कंपनियों का है, शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो साफ होती है दोस्तों, कांग्रेस जिस भी राज्य में रहती है वहां पे भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं होती। काले धन के नोटों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं और झारखंड आज उसी का शिकार हो रहा है।